संख्या शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। यूं तो संस्कृत भाषा में 100, लाख, हजार, करोड़ इन शब्दों का प्रयोग होता ही है, किंतु आज हम संख्या 1 से 20 तक किस प्रकार प्रयोग की जाती है इसके विषय में चर्चा करेंगे। संख्या सबसे पहले संख्या 1 से 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से इस पर चर्चा करने से पहले हम संख्या 1 से 20 तक देख लेते हैं। पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, नपुंसक लिंग में एकः, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। मुख्य रूप से संख्या शब्दों का ज्ञान करते समय जिन बातों पर हमें ध्यान देना है वह यह है कि संख्या 1 से 4 तक हमें सभी लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग करना है। अर्थात यदि संख्या शब्दों का प्रयोग हम पुल्लिंग रूपों में कर रहे हैं तो पुल्लिंग शब्दों के साथ विशेषण के रूप में इसका प्रयोग भिन्न रूप से होगा, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ इसका प्रयोग भिन्न रूप से होगा तथा नपुंसक लिंग में भिन्न रूप से होगा। उदाहरण के लिए वाक्य है वृक्षे रिक्त स्थान वानरः तिष्ठति और कोष्ठक में संख्या शब्द है, संख्या दी गई है 1। तो यहाँ वानर शब्द है पुल्लिंग और वानर की विशेषता है 1 वानर, तो हम देखेंगे कि वानर पुल्लिंग शब्द है तो वानर के लिए संख्या 1 में हम एकः शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात वृक्षे एकः वानरः तिष्ठति। दूसरा वाक्य है महिलाः कूपात् जलम् आनयन्ति, कोष्ठक में संख्या है 3। तो महिला क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन का रूप है, इसलिए स्त्रीलिंग का रूप देखते हुए हम देख रहे हैं कि संख्या 3 के लिए तीसरा शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात वाक्य में संख्या का प्रयोग तीसरा महिलाः कूपात् जलम् आनयन्ति इस प्रकार होगा। अगला वाक्य है मम गृहे रिक्त स्थान व्यजने स्तः, कोष्ठक में संख्या है 2 और शब्द है व्यजने जिसकी विशेषता है संख्या 2। व्यजन नपुंसक लिंग शब्द है और द्विवचन का रूप है, तो यहां हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग द्विवचन रूप है द्वे, तो वाक्य में संख्या शब्द प्रयोग होगा द्वे और वाक्य होगा मम गृहे द्वे व्यजने स्तः। अगले वाक्य में करंड के रिक्त स्थान आम्राणी संति, कोष्ठक में संख्या है 4, क्योंकि आम्र नपुंसक लिंग शब्द है और बहुवचन का रूप है तो नपुंसक लिंग शब्द हम देख रहे हैं कि संख्या 4 के लिए चत्वारी का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य में क्योंकि आम की विशेषता है संख्या 4 तो शब्द प्रयोग होगा चत्वारी आम्राणी। अगले वाक्य में मम कक्षायाम रिक्त स्थान बालकाः पठन्ति, कोष्ठक में संख्या है 16, अर्थात मेरी कक्षा में 16 बालक पढ़ते हैं, तो 16 के लिए यहां हम देख रहे हैं संख्या शब्द लिखा है षोडश। और अगले वाक्य में भी संख्या शब्द है 16, अर्थात सरोवर में 16 बत्तखें तैर रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों में 16 संख्या का प्रयोग हो रहा है, किंतु बालक पुल्लिंग शब्द है और वर्तिका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि संख्या 1 से 4 तक यदि हम संख्या 1 से 4 का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग होगा, किंतु संख्या 5 से 20 या 100 या हजार, लाख, किसी भी संख्या का जब हम प्रयोग करते हैं तो लिंग कोई भी हो उसके साथ विशेषण के रूप में संख्या वही प्रयोग होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात दोनों ही वाक्यों में 16 के लिए षोडश का प्रयोग होगा। अगला वाक्य है दशरथस्य रिक्त स्थान पुत्राः आसन और संख्या है 4, तो पुत्र शब्द जो है वो है पुल्लिंग और
संख्यावाची शब्द है पुल्लिंग में चत्वारः। तो यदि हम देखें यहाँ हमने आमराणी शब्द लिया था, आमराणी है नपुंसक लिंग, तो वहां हमने किया था चत्वारी, और यहाँ है पुत्राः, ये है पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ जो हमारा जवाब है वो होगा चत्वारः। अगले वाक्य में सप्ताह है, रिक्त स्थान दिवसाः भवन्ति और कोष्ठक में संख्या है 7, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 के लिए जो शब्द है वह है सप्त, अर्थात सप्ताह सप्त दिवसाः भवन्ति। रावणस्य रिक्त स्थान आननानि सन्ति और कोष्ठक में संख्या है 10, आनन अर्थात मुख, रावण के 10 मुख हैं, तो 10 के लिए संख्या है 10, अर्थात रावणस्य 10 आननानि सन्ति। और अंतिम वाक्य है पांडवाः रिक्त स्थान आसन, संख्या है 5, अर्थात पांडव 5 थे, तो 5 के लिए संख्या है 5। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संख्या 1 से 4 तक, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि 1 से 4 तक जब हम वाक्य में संख्या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लिंगों के अनुसार उनका रूप परिवर्तित होता है, रूप बदलता रहता है, किंतु संख्या 5 से 20 या उससे ज्यादा संख्याओं का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्यों में उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है, और यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो संख्या शब्दों का ज्ञान कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है।